साहिब श्री गुरु नानक साहब जी की साजी नवाजी परम सत्कार साहब जो साध संगत जो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जो वचन तो मैं करन नहीं आया, मैं आप जी का धन्यवाद जरूर करने वास्ते आया। यह चार छह महीने जो मैं कष्ट कट्टे हैं जा अजे भी कष्ट है कुछ, उस समय वास्ते मैं आप जी का बड़ा ही धन्यवादी हूं कि तुसी अपना वक्त कट के दरबार चाहते रहे हो, भावे तुसी सारे अपने कार्य वास्ते आते रहे हो, लेकिन मैं आप जी का धन्यवाद जरूर करांगा कि आप जी ने इस समय के अंदर कम अज कम यह जरूर सीख लिया है कि अकाल पुरख हर थां हर जाई मौजूद हैं, सर्व व्यापक का जड़ा लफज गुरबाणी के विच जा किसी होर माइथाली दे विच थां थां आउंदा है, उसका अनुभव आप भी सब नूं हो गया है। यह एक जड़े साधु संति दे विच संगत चलनी शुरू होंदी है उन्हां वास्ते बहुत जरूरी है। जब तक असी अकाल पुरख नूं सब व्यापक नहीं समझते, असी हर थां बैठ के उन्हां दी सिमरन नहीं करते, जगह ढूंढते हैं। जो कोई जगह नियत है जिथे समझ लगती है कि इतने उन्हें प्रेजेंस जी है ज्यादा देर तक रही है, उत्थे जाके उन्हां दा सिमरन कर दिओ, उन्हां दे गुण गा दिओ, उन्हां नूं ध्यान विच रख दिओ, उन्हां दे चरणां ते अपना शीश नमा के उन्हां दे नाम दा उच्चारण प्यार और सत्कार नाल लें दिओ। उपरंत बेनती करते हो जिस वक्त घंटा डेढ़ घंटा हो जाता जिन्ना नियत समा तुम दे सकते हो बेनती भी करते हो। जी बेनती है वह सफलता पूछती है। जिस वे असी वाटर पाइप से चले गए, हाथ धोते उठे देखते रहे झाकते रहे इधर इधर लंगर किसी वेल्ला लंगर च जा बैठे, जेडे प्रॉपर स्थान है जिथे असं सिमरन करना है जिथे सतों के चरण ध्यान लगाना है उत्थे नहीं बैठते, उसी अपना वक्त जोड़ा है खुंजा दें। मैं आप जी को अपनी गल दसदा, इतना दुख भोगया है फिर भी यतन करदा सा कि कदी कदी अपने सतगुरु के चरणों की छो लवां, भावें चीसा नहीं लैन दे रही सन लेकिन फिर भी यतन जरूर करता सी। जो यतन सन और जिहड़ियां तुहाडियां आसीसां बेनतियां अरदासां अरजोईयां अकाल पुरख दे चरणां च पहुंचियां उन्हां दे द्वारा मैं तुहाडे सामने बैठा। जिवें हुक्म आ रहा है दावा कोई नहीं, जिवें हुक्म आ रहा है हो सकता है
मैं थोड़े विच बहुत देर रहा। आज जिस प्रकार असी सुखाले खुले खुले बैठे हाँ, सानू इत्थे बैठने जगह ना मिलिया करे। रंग है न करतार दे, हर चोट के बाद हर घड़ियाल दे जिस वेले हथौड़ी मारी बजाया जाता घड़ियाल नू, कुछ गैप हुंदा उस हथौड़ी नू फिर टक्कर करन मारने दा। वो जिहड़ा समा है अद्धा मिनट पौना मिनट या एक मिनट, जितनी देर उस दे विचों लै निकलती रहिंदी है, तुसी अपना यह समा जो बीतिया है इस प्रकार समझो कि तुहाडे ते तुसी उन्हां दा नाम लिया है ते उस दे सहारे तुसी इत्थे टिके रहे हो। तुहाडे मन दे अंदर ओ अवस्था आती रही तो तुसी प्यार दे नाल आते रहे। एक खिच है, एक खिच है, क्यों कि साड़ी इतनी सिमरन की अवस्था उच्ची नहीं हुई होंगी जो असी दर्शन कर सकी। मैं सतनाम जी दूर बैठा तो आप जी उन्हां दी रचना हो, आप जी दी हजूरी विच बैठा, मेरे मन दी जिहड़ी अवस्था है इस नूं कुछ ऐसी अवस्था दा सहयोग मिल रहा है और महसूस हो रहा है कि जिहड़ा ये तन है, ये मन है, इस दे विच कुछ निग आ रहा है। ये जो निग है ये मेरी अटैचमेंट है थोड़े नाल, ये मेरा प्यार है थोड़े नाल। इहो जिही अवस्था तुसां अपनी बनानी है। अजे जितनी देर मैं आप जी नूं वचन नहीं करने, वचन तां हुण मैं करने ही नहीं, तुसीं आओगे मिलोगे चले जाओगे, आओगे दर्शन करोगे निशान साहब दे, नमस्कार करोगे, दरबार दे विच कीर्तन सुनोगे, अपना ध्यान अकाल पुरख के चरणों च रखोगे ते तुहाडा कम सफल। ये अवस्था हर स्थान पर नहीं होया करदी, भावें सतगुरु सर्वव्यापक हन, भावें किन्ने नेक और किन्ने प्यार दे विच हन, लेकिन हर जाई यह अवस्था बड़ी घट मिलती है। तुसा इस अवस्था नू बढ़ाना है। मैं सब कुछ ये ज़्यादा खोल के ज़्यादा खुलासा करके खुले शब्दों के बीच आम जी मिसालां दे के तुहानू आगाह कर रहा कि तुसी सही मार्ग तो सही अवस्था विच लंघ रहे हो। इत्थे तुहाडे मन की जिहड़ी थोड़ी जिही भी खिच है यह भी बहुत है, इसनू थोड़ा ना जाणियो। और इस खिच के जिहड़े रिजल्ट है जिहड़ा ये तुसी टाइम मैंने आते रहे हो, इस खिच विच आते रहे हो, ये जरूर थानू कोई ना कुछ मिठे फल प्राप्त कराएगी। तुस देख रहे हो मैं कितना मजबूर सा, कमेंट्री दरबार दे विच मेरा होना जरूरी सीगा, तीन चार महीने उत्थे मेरा होना जरूरी, उत्थे बिल्डिंग की
तैयारी हो रही है। इतने डेरे साहब वो तो मैं अपने गुरु बाबा जी का बहुत मशहूर हाँ, जेडे खुद उसकी तैयारी करवा रहे हैं, बहुत आभारी हाँ थोड़े वास्ते, थोड़े आराम वास्ते, और मेरे वास्ते नहीं, और मैं होटल नहीं बनाने लगा, और थोड़े वास्ते सात संगत वास्ते, और उसमें जनक सेवा अजिहा जहा अवस्था समझ के करनी है, उन्होंने फल पा जाने हैं। उन्होंने फल पा जाने हैं। सानू अपील नहीं कोई करते, सानू किसी ड्यूरिस नहीं रखते, सानू किसी संस नहीं पाते, साढ़े कोई पार नहीं देंगे। मेरे गुरु बाबा जी आप सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और खुले दिल ना कर रहे हैं, और इस अवस्था के नाल कर रहे हैं कि अपने सिक्खी के उत्ते छड़ता, देखिए सिक्खी मेरी किदां दी है, किस प्रभाव के मेरे न अटैच हुई हुई है। यह भी एक अवस्था देखने वाली है, इस सिटे तो निकल नहीं होंगे, जब इतने सेवा च लगे हुए जो सेवा करते हैं बच्चे जाके उन्होंने कहते असी पिछे रखांगे, केस कोई नहीं इदा का दरबार के विच जड़े सेवादार समेत मेरे आप जी सेवा च खड़े होंगे, आप जी इंतजार करते रहने कि कद तुसी आओ, कद थोड़े चरणों की धूड़ असी झाड़िए, तो वो जी धूड़ है थोड़ी राह की उस हिसाब तक की जिन्नी देर तक तुसी उन्होंने त्यौंदे आए हो, बाकी धूड़ दे मालक नहीं असी, असी केवल उन्हें रस्ते दे मालक हैं धूड़ दे जड़ी के तुसी उन्हों का नौ लेंदे आए हो, और उन्होंने ध्यान विच मन और तन रख के आए हो, उस इंतजार मुंतजर रहने हैं। यह समा बड़े किस्मत वाले बड़े भाग्य वाले मिलता है, स्थान काफी खुला है, लेकिन स्थान योजे भी होया करते हैं, कोठड़ियां होया करते हैं, जिन्हां दे विच दर्शन करने वास्ते ही सारा दिन लग जाता है, लाइन दे विच ही खलोते रहना पैंदा है। मैं याद है, बड़ी चंगी तरह याद है, हो सकता है इसे सन चार की गल हो, शुरू मैं श्री अमृतसर साहब चौथे पातशाह दिहारी मंदिर विच नमस्कार करन गया, चाहे वक्त सी, चाहे नियत सी, चाहे नहीं सी, मेरा दिल बड़ा पसीजिया कि मैं इत्थे बैठ के, मेरी नज़र इन्नी तो है नहीं कि मैं साहिबां दे दर्शन कर सका, लेकिन उन्होंने जो संगत है जेडे उन्होंने परवाने हैं उन्होंने दर्शन तो करा। मैं बैठिया 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 मेरी अखा नुटिया गई, बैठिया बैठिया मेरिया अखा नुटिया गई, और मैं की देखता कि सारा आसमान देवतियां दे नाल और उन्होंने परवानियां दे नाल भरिया है, और इंतजार कर रहे उस बूहे अंदर एंटर होने वास्ते और नमस्कार करने वास्ते उन्होंने।
मैं आज तक यह दृश्य के दिन देखिया उसे देखिया और फिर मन बड़ा ही आराम मिलन लग गया। मेरे नाल दे कहन चलो जी, मैं उन्हें हाथ ना इशारा करा कि तुम चुप करो जी, लेकिन रंग करतार दे चाहे थोड़े पास ही नसीब हो, जिसन नसीब हो गया भागा वाला वह भागा वाला। तुम इतने बैठे हो, तुम आज तो भावें अपने दुख वास्ते हो, अपने कलेष वास्ते हो, लेकिन थोड़े दुख और कलेष जिमें मैं आप जी बयान कर रहा, इस अवस्था के नाल आओगे तो थोड़े ये जड़े जीवन दी काटा हैं बड़ी जल्दी पूरियां हो जाएगियां। और जिमें हुक्म आ रहे हैं, मैं देख रहा कि जड़े प्यार दे नाल आउणगे, सत्कार दे नाल आउणगे, उन्होंने जीवन सुंदर प्रदान होंगे। यह मिसाल सानू साढ़े इतों के सेवादारा पासों मिलती है, पाठियों वास्तों मिलती है, और जड़े बच्चे इतने छोटे छोटे आते हैं स्कूल जाने तो पहला बस रहो बगा के मार दे तो मत्था टेक के नमस्कार करके अपनी बेनती करके फिर बस्सा चुके स्कूल में जाते हैं। यह मंजर ओपरे ओपरे लगते हैं सानू ते की कर रहे हैं, लेकिन इन्हों मंजरों के बीच निग बड़ा असलियत बड़ी है। कहो तो जीवन का रंग ये हैं, कल परसों मैं शब्द सुन रहा सी सरदार मलविंदर सिंह उन्होंने पासों, मैं पता नहीं शब्द किसी ने पूरा हो गया, इन्होंने दूजी तर्ज भी शुरू करती तो मैंने पता नहीं किसी ने शब्द पूरा हो गया। मन नू बहुत शांति आई, मन च बड़ा प्यार उठा कि पातशाह जे हमेशा इदा रखो, जे हमेशा नहीं तो कदे 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 से यह जा मौका मेल दिया करो तो मैं थोड़ा बड़ा ही मशहूर होवगा। लेकिन ये मौके तद जुड़ते हैं जिस तन और मन की लगन एक सुर हो गए। जे असी इत गल कर फिर ने इतने आओ और अपने मन के अंदर उन्होंने ध्यान रख के आओ, फिर कुछ मिलता है। मैं बहुत दफा क्योंकि अभ्यास हो गया संगत दे कुछ थोड़ी पहचान भी हो गई है, तो मैं कई दफा रोस आता कि यह संगत जिहड़ी है ये आती है गल्लां करके चली जाती है, क्यों मना नहीं करता मैं गल्लां करन तो, ये करनी है लेकिन किसी ने करनी है अपने आप नूं इत्थे उन्हां दे चरणां च हाजर करके उन्हां नूं अपनी हाजरी लगवा के फिर कर लो गल्लां। लेकिन असीं की करदे आ, आउंदे आ गल्लां पहलां करदे आ ते बाकी काम पता नहीं करदे आ कि नहीं करदे। तुसी हैरान होवोगे
ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈੜੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਆ ਕਿ ਵੀਰੋ ਥੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ, ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ ਕਰਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਗਿਆਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਗਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੀਤ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਪੂਰਨਤਾ 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਥੇ ਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣੱਤ ਸਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਜਿਆ, ਨਵਾਜਿਆ, ਪਿਆਰਿਆ, ਸਤਿਕਾਰਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ, ਹੱਥ 'ਤੇ ਸਿਰੋਂ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਔਰ ਬਲਿਹਾਰ ਤੁਸਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ।
जेडे तुसी उन्हां दे पावरे बाबा जी दे सेवक नस के आउंदे हो, अपने झोलियां अड़ के आउंदे हो, मैनूं बड़ी खुशी हुंदी है। थोड़ी जिही खुशी नहीं, बहुत खुशी हुंदी है, बहुत खुशी हुंदी है। मैं आना कोई नहीं सी, मैं थल्ले आके मुड़ जाना, लेकिन अज मैनू सतगुरु ने उत्ते खिंच के लै ही आंदा। यह हिम्मत उन्होंने दिती है, यह देन उन्हां दी है। अज जो कुछ असी डिस्कस कर बैठे हैं यह भी देन उन्हां दी ही है। यह गल्लां सारियां सधारण जिहियां लगदियां, लेकिन यह तीर ने, गुजे तीर ने, तीर ने। इन्हां नूं घर जाके बैठ के सोचोगे तो पता लगेगा की है। कई तो ऐसियां अवस्था निकलणगियां जिहनूं प्रत्यक्ष मिलणगे। हुण मैं तुहाडा बहुत सारा वक्त लै लिया, मैं सिर्फ तुहानूं इस इहो कहना सी कि अज जिहड़ी असीं उत्थे महाराज दा महल बना रहे हां, उस दियां तस्वीरां दिखाईआं जाण, असीं कित्थे तक पहुँचे हाँ। और उन्हां दा मैं बड़ा धन्नवादी हाँ जिन्हां ने वह तस्वीरां बना के लियांदियां हन। वह साडे दरबार दे सेवक ने, फोटोग्राफ ने, वीडियोग्राफर ने, और उन्होंने मन दे विच कितना चाह आया होगा तस्वीर बनाने वास्ते। जिस वेले चाह दा ये अमंग उन्होंने मन के अंदर आई होगी, मैं समझदा कितना बड़ा छाला सतगुरु ने दिता होगा उन्होंने। हुण ओह तस्वीरां थानू साडे चेयरमैन साहब दिखा लेंगे, दरम्यान च खड़े हो जाणगे, तो फिर ध्यान नाल देखना क्योंकि असीं अजायब घर च जे नहीं ला सकते। अज इन्हां दे फ्रेम बनने उत्थे लै जाओ भाई, ये तुसी दर्शन करो और उन्हां दा शुकराना करो सच्चे पातशाह दा। जय बाबे जी कह के शुकराना करो कि जिन्हां ने साडे वास्ते इन्ने सुंदर महल बनाने दा प्रोजेक्ट किया है, और थोड़े वास्ते उस प्रोजेक्ट की सजावट वास्ते जिहड़ियां टाइल्स आ रही हैं वह चाइना तो आई हैं, इंपोर्टेड माल लग रहा है, ताकि थोड़े मन की जिहड़ी अवस्था है उत्थे जाके टिके और तुसी उन्हां दे नाम दे विच रस जाओ, रस जाओ। इत्थे दे प्यार सत्कार की करने आ, उन्हां दे हुण रंग च रंगो, अगे समा मैं नहीं पता कहो जे आ रहा। मैं तो औखा लग रहा है, पता नहीं जिन सिखाला लगता वो धन भाग मैं नहीं सिखाला लगता। मैं आप